ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दिल से बाबा का जब प्यार उछाल मारता है तो अपने आप से क्या निकलता है? क्या निकलता है? मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो देना पाया तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। अभी दिव्या दीदी हम लोगों को कुछ जीवन उपयोगी ज्ञान के बहुत रमणीक और सरल टिप्स हमारे बीच में हमको देंगी। ओम शांति। ओम शांति। सभी लोग मन को एकाग्र करने के लिए 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। हम सभी एक ऐसे प्रोग्राम में एकत्रित हुए हैं जहां मन को सुकून मिलता है। ये दर ही है जिस दर पर सभी कहते हैं कि मेरा घर है। आज बाबा का जो दर है, ये दर इसको भाग्य बनाने की बैंक भी कहते हैं, इसको ईश्वरी बैंक भी कहते हैं। बड़ी खुशी होती है आज ये बाबा के विद्यालय पूरे विश्व में जन जन को संदेश देते हुए हर आत्मा के लिए एक ठिकाना बना हुआ है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हर मनुष्य की पहली जरूरत क्या है, हर मनुष्य क्या चाहता है? शांति। क्या चाहते हैं? और शांति के जगह स्थान किसने ले लिया है? दो चीजों का, चिंता और भय। सच है, हम कितने भी अपने आप को सिक्योर करते हैं, कितना अपने आप में सुविधाएं जोड़ते हैं, सुरक्षा करते हैं, फिर भी अगर अपने आप से पूछें तो हर मनुष्य के जीवन में चिंता बढ़ती जा रही है। और चिंता के साथ साथ भय भी बढ़ रहा है। कैसे भय बढ़ रहा है? अगर बच्चा बाहर गया है
अगर वो टाइम से थोड़ा सा लेट हो जाता है, मन में कैसे विचार चलते हैं? अच्छे चलते हैं? नेगेटिव चलते हैं। आज भगवान आकर के हम सबके जीवन में एक खुशी देना चाहता है, शांति देना चाहता है, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में जब भी मंदिर जाते थे तो हम खाली हाथ नहीं जाते थे। क्या लेके जाते थे? फूल लेके जाते थे, लेके जाते थे फूल के साथ साथ कोई फल भी, या नहीं तो फूल तो जरूर लेके जाते थे। लेकिन हम वो परंपरा से करते तो थे, लेकिन हम क्यों लेके जाते थे पता नहीं। जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा हमको फूल जैसा बनाने के लिए बोलता है, क्योंकि कहते हैं फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, मुस्कराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर मुस्कराए तो क्या बात, हार कर मुस्कराना भी जिंदगी है। किसी चीज में हमें सफलता मिलती है, हमारी मन के इच्छा अनुसार काम होते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, वो खुशियां हम दूसरों के साथ मनाते हैं। लेकिन कहीं अगर असफल हो जाते हैं, जो चाहते हैं उसके अनुसार नहीं होता, तो मन क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। फूल जैसा बनने के लिए, फूल हमको यही सिखाता है कि जैसे फूल अगर हम मुर्दे पर भी डालते हैं तो उसकी अवस्था कैसी होती है? खिला हुआ ही रहता है। वही फूल अगर हम भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं तो भी उसकी वही अवस्था होती है। आज ये विद्यालय पूरे विश्व में 140 देशों में एक विशाल वट वृक्ष की तरह फैला हुआ है, जहां हर बच्चे के लिए एक ऐसा स्थान है जहां हम जाकर के सुकून ले सकते हैं, शांति की सांस ले सकते हैं। ये यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है, इसलिए जहां भी ये सेवा केंद्र खुलते हैं, नया स्थान बनता है, तो हर बच्चे को ये संदेश हर जगह पहुंचाओ कि बाबा का कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे जिसको भगवान का संदेश ना मिले। एक बार कभी तो ऐसा ही ये डर है जहां हम नैतिक चरित्र, क्योंकि आज संसार में जो चिंता और भय है उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, उसका कारण क्या है? हमारी अपनी सोच। कभी आपने रीड किया होगा, चेक किया होगा अपने आप को, पूरे दिन में हम अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और इसलिए कहा गया है परचिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन आत्मोन्नत की सीढ़ी है। और सीढ़ी हमको कहाँ ले जाती है? ऊपर की तरफ ले जाती है। आज इस विद्यालय में जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये छोटे छोटे से टिप्स मिलते हैं कि हम कैसे सीढ़ी के द्वारा हम अपने आप को ऊंचाई के शिखर पर ले जाएं। आज हम चाहते तो हैं हमारा जीवन खुशहाल, थोड़ी ही सही पर बात हुई। मैंने भगवान से पूछा, सभी लोग कहते हैं, भगवान ने कहा रिश्ता बना रखना बिल्कुल मेरे जैसे। सभी बच्चों के अंदर, हर इंसान के अंदर
कोई न कोई विशेषता तो है। फिर हम बाबा के बच्चे, सभी अच्छे हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन में एक सिद्धांत बना लें कि मुझे अगर देखना है, चिंतन करना है, तो दूसरों की अच्छाइयों का चिंतन करना है। अगर हम ऐसा नियम बना लेंगे तो एक दिन हम भी क्या सभी अच्छे हो जाएंगे। हम अच्छे तो सब अच्छे। कितनी नजरिया बदल दो तो नजारे बदल जाएंगे। इसलिए ये विद्यालय और इसके आसपास रहने वाले बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान के दर पर आते हैं, जिनका आसपास मकान है, उनको ये चांस मिला है कि अपने भाग्य की लकीर वो लंबी करते जाएं। और लंबी करने का आधार ही है ईश्वर से स्नेह। ईश्वर से स्नेह तो सभी, अगर सभी से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा प्यार किससे है, तो सभी क्या जवाब देंगे? भगवान से प्यार है। कोई दुनिया में अगर है तो कौन है कहेंगे? भगवान ही हमारा सब सच्चा साथी है, ये हम सब बोलते हैं। लेकिन कभी अपने आप से पूछो, भगवान से प्यार है फिर भी सभी नंबरवार हो जाते हैं। वक्त पर जब भी हम परेशान होते हैं तो भले ईश्वर की याद आती है, लेकिन जब खुशी होती है तो कौन याद आते हैं? कौन याद आते हैं? रिश्ते याद आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम नियम बनाएंगे, पहले हमारा कौन? बाबा है। बाबा को अगर साथी बना करके रखेंगे तो बाबा मेरे हर कार्य में बहुत मददगार बनेगा। आज ये विद्यालय हमारे जीवन का परिवर्तन, हमारे विचारों का परिवर्तन करने की नॉलेज ही देता है। आप देखेंगे, हम तो अपने अनुभव सुनते हैं गांव में माताओं के, कि कैसे बाबा दिल में बैठ करके असंभव को भी संभव करता है। एक बार एक लड़की की शादी हुई तो अपने ससुराल गई। ऐसे तो उसने सोचा था कि बहुत सभी चाहते हैं हम अपने परिवार में खुशहाली से बीतें, अच्छे से रहें, लेकिन आप देख रहे हैं समय प्रति समय दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं, टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। तो जब वो गई तो उसकी सास से बहुत झगड़ा होता था, बहुत कोशिश करती थी लेकिन सास बहुत बोलती थी। जब वो अपने मायके गई तो उसकी जो माँ थी वो इस विद्यालय के संपर्क में थी, आश्रम जाया करती थी। तो वो भी, क्योंकि वो टेंशन में बहुत रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, तो जब वो मायके गई तो मम्मी के साथ वहाँ आश्रम गई। तो वहाँ बहन ने पूछा कि तुम कैसी हो, तो उसने कहा दीदी हम बहुत परेशान रहते हैं, टेंशन बहुत है, हमारी सास से बिल्कुल नहीं बनती। और आज का यही माहौल है, सभी अलग होते हैं, सभी चाहते हम स्वतंत्र तरीके से जिए, लेकिन कहते नहीं जिसके ऊपर छाया नहीं होती वो भले मन से तो रहते हैं स्वतंत्र स्वतंत्र, लेकिन हमको रास्ता दिखाने वाले भी बड़ों की छत्र छाया अगर होती है तो हम सेफ रहते। तो दीदी ने कहा ठीक है मैं एक तुमको दवाई देती हूँ, जिस दवाई से तुम्हारी सास के साथ झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने एक दिया, जल बना के पानी बना के दिया और ये कहा कि तुम अपने मुंह में
अंदर ही रखना, ये नीचे भी नहीं उतरे और बाहर भी ना जाए, मुंह के अंदर रखना। और शाम को उसको अंदर ले लेना। वो जब भी शाम को सारा दिन काम करती थी जैसे सास के साथ, सास बहुत बोलती थी, लेकिन जो पानी वो जब दवाई दी थी ना, वो मुंह में बंद थी, उसको गुस्सा तो आता था लेकिन नहीं जवाब देती थी। 3-4 दिन ऐसे हो गए, लेकिन वो सास बहुत बोली लेकिन वो बोली ही नहीं, कुछ जवाब ही नहीं दिया। शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो सुख भी सिर्फ तन से नहीं, तन का भी सुख चाहिए, मन का भी सुख चाहिए, धन का भी सुख चाहिए और संबंधों का भी सुख चाहिए। क्योंकि आज सबसे ज्यादा हम परेशान किससे हैं? किससे परेशान है? संबंधों से। और उन संबंधों से परेशान हैं जो संबंध बहुत नजदीक है, उनका हम कह के परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान ने कहा इस तन को तुम प्रभु के कार्य में लगाओ, उसके सहयोगी। अब हम तन तो नहीं लगा सकते, लेकिन धन, जैसे हम देखते हैं ना कि जब आज हर मनुष्य क्या चाहता है, जमा जरूर करता है, बैंक में जरूर डालता है, भले उसके पास नहीं है फिर भी वो बचा करके क्या करता है, बैंक में डालता है। क्यों बैंक में डालता है? कि वक्त पर काम आएगा। ऐसे ये ईश्वरीय बैंक है, अपना अगर हम कुछ न कुछ लगाते हैं, सहयोगी बनते हैं, आप अनुभव करेंगे जिस चीज की आपको कमी है वो आप देते जाइए, आपके जीवन में उस चीज की कमी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं समय प्रति समय मनुष्य के जीवन में ये चिंताएं भी बढ़ेंगी, परिस्थितियां भी बढ़ेंगी और संबंधों का मन मुटाव भी बढ़ेगा। अगर अपने जीवन में हम खुशहाल जीवन चाहते हैं तो बाबा के, भगवान के हम किसी न किसी प्रकार से सहयोगी जरूर बने। और जीवन में यही नियम बना लें कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना। क्योंकि आज हम क्या करते हैं, जब भी बैठेंगे, समय तो सबको मिलता है, हम या तो मोबाइल में जाता है, टीवी में जाता है, या आपस में जो बातों में बैठेंगे तो हम अच्छी बातें नहीं करेंगे, हम इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन सुबह सुबह उठेंगे तो झाड़ू लगाएंगे, सफाई करते हैं ना अपने मकान की जहाँ रहते हैं, तो सफाई तो हम करते हैं और कूड़ा कहाँ डालते हैं, कूड़े की जगह पर डालते हैं। और सुबह सुबह मकान की तो हमने सफाई कर ली, लेकिन सारे दिन में सभी जगह का कूड़ा हमने कहाँ डाल लिया, कहाँ डाल लिया। और हम बड़े खुश होते हैं उसकी सूचना, उसके बारे में मुझे मालूम पड़ गया, उसके बारे में मालूम पड़ गया, उसके बारे में मालूम पड़ गया। सभी जगह का कूड़ा हम अपने माइंड में डालते रहते हैं। इसलिए मनुष्य सबसे ज्यादा तन से कम परेशान है मन से परेशान है, क्योंकि सारा कूड़ा हमने कहाँ डाल दिया, कहाँ डाल दिया। हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि घर की जैसे सफाई करते हैं वैसे मन की भी सफाई हमें करना है। और सफाई करने के लिए एक बाबा और कूड़ा वही डाल देना। बाबा ही ऐसा है जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि जैसे सागर, भगवान की तुलना हम किससे करते हैं, सागर से करते हैं। सागर में सारी नदियों का कचरा आता है लेकिन सागर कभी गंदा दिखाई पड़ता है,
पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो समा लेता है। ऐसे ही भगवान के अंदर वो शक्ति है, हम अपने सारी बातें बाबा को कहकर हम अपने मन को साफ रखना है। अगर भरते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि समय हमको चेंज करेगा। जैसे कंप्यूटर में जब ज़्यादा फीड हो, ज़्यादा भर जाता है तो वो क्या है, करने लगता है। आज आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो डिप्रेशन, टेंशन, और इसके कारण ही सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। आपने अनुभव देखा, पढ़ा होगा, पढ़ते भी होंगे कि जो भी सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो गरीब नहीं करते, साधारण नहीं करते, अनपढ़े नहीं करते, जो बहुत पैसे वाले हैं और बहुत होशियार हैं। इसलिए मुझे सबसे पहले अपने आप में सम्मान देना है, अपने आप के बारे में सोचना है कि मैं इस धरती पर एक विशेष आत्मा हूँ। बाबा ने हर बच्चे को क्या कहा, तुम विशेष हो, कहा ना? विशेष क्यों कहा? क्योंकि आप जैसा, आपके चेहरे जैसा, आपकी कर्म जैसा कोई व्यक्ति दूसरा दिखाई पड़ता है आपको? लेकिन हम परेशान कब होते हैं, जब हम अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं। इसलिए समय को देखते हुए बाबा ने जो स्थान बनाए हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप। केवल हमको उसका यूज करना है और निरंतर उसके किसी न किसी प्रकार से मुझे सहयोगी बनना ही है। अगर हम सहयोगी बनेंगे भगवान के, तो भगवान भी पहले किसको याद करेगा? हमको ही याद करेगा। इसलिए बाबा के स्थान, नैतिक चरित्र, आज जो ये विद्यालय खुले हुए हैं, वो नैतिक चरित्र ही हमारा ऊंचा करते हैं, हमारी सोच को बदल देते हैं, हमारे चिंतन को बदल देते हैं। तो हमारा चिंतन अगर अच्छा होगा, हम भी अच्छे हो जाएंगे। चिंतन ही हमारा अगर गलत है तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं कोई मुझे चेंज कर दे। बाबा के बच्चे तो सभी हैं, सभी जानते होंगे कितने लोग हैं यहाँ जो पहली बार आए हैं। सभी आए हैं, है आपका जो आप पहली बार नहीं आए हैं, आप अनेक बार आए हुए हैं और ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है जो आपको बाबा का संदेश मिला और बाबा के इस प्रोग्राम में हाजिर हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।